हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी नेट एजुकेशन। आज की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी क्या है। एंड्रागोजी का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस जिसमें कि मैंने पैडागोजी के बारे में, क्रिटिकल पैडागोजी के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से एंड्रागोजी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी क्या है। एंड्रागोजी देखिए, तो एंड्रागोजी रेफर्स टू अ थ्योरी ऑफ एडल्ट लर्निंग दैट डिफाइंस सम वेज इन विच अडल्ट लर्न देन चिल्ड्रन। देखिए, एंड्रागोजी जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एंड्रागोजी मीन के एडल्ट्स की एजुकेशन वो किस प्रकार की होनी चाहिए, एडल्ट्स को किस प्रकार से नॉलेज देनी चाहिए। एंड्रागोजी जो है वो हमें ये बताता है, ये रेफर करता है, इसकी थ्योरी ये बताती है कि किस प्रकार से जो एडल्ट की लर्निंग होती है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। जिस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाते हैं उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, जो भी पढ़ाई होती है, जो भी स्टडी होती है, जो भी वेज होते हैं देने का ढंग होता है एडल्ट्स को, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन लर्निंग, और यू में से चिल्ड्रन की जो नॉलेज है उससे अलग होती है। एज अडल्ट हैव मोर नीड्स टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, क्योंकि जो अडल्ट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये उनको किस प्रकार से सेल्फ डायरेक्शन दी जाए, ताकि उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो अपना, अपने लक्ष्य का, अपने टारगेट का चुनाव कर सके। ठीक है, क्योंकि ये एडल्ट की जो स्टेज होती है ये एक ऐसी स्टेज होती है, ये एक ऐसी एज होती है जहाँ अगर एडल्ट्स को अच्छे से एजुकेशन नहीं दी गई, उन्हें ये नहीं बताया गया कि आप कौन हो, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक सेल्फ रियलाइजेशन, अगर उनके अंदर ये वाली जो फीलिंग है इसको डेवलप नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली जो उनका फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहली जो एक नीड होती है एडल्ट्स को एजुकेशन की, वो सबसे पहली नीड ये होती है कि उनको सेल्फ डायरेक्शन देना। ठीक है, इंटरनली मोटिवेटेड, उनको इस प्रकार से मोटिवेट करना कि उन्हें किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं करना, बल्कि उनको मोटिवेट करना, इंटरनल वो मोटिवेट हुए किसी भी काम को करने के लिए, एंड रेडी टू लर्न। वो पढ़ाई से भागे नहीं, किसी भी काम से, किसी भी सिचुएशन से वो भागे नहीं, बल्कि किसी भी सिचुएशन का वो सामना जो है वो रेडी हो सके उसको करने के लिए, उस लर्निंग को लेने के लिए। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम उन्हें अच्छे से पकड़ के रख पाएंगे। पकड़ के कैसे रख पाएंगे, अगर वो अच्छे से, उनको मोटिवेशन मिलेगी, पढ़ाने का ढंग अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग को डेवलप करना थ्रू द टीचिंग, थ्रू द वेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन। इसीलिए इफेक्टिवनेस एजुकेशन, किसकी एजुकेशन को इफेक्टिव करने के लिए, एडल्ट्स की एजुकेशन को इफेक्टिव करने के लिए ही जो एंड्रागोजी का कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया। तो बेसिकली आपने ये समझ लिया होगा अब तक कि जो एंड्रागोजी का जो कॉन्सेप्ट है, एंड्रागोजी की जो टर्म है, दैट इज रिलेटेड टू द अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट की एजुकेशन जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जिस प्रकार से हम नॉर्मल क्लासरूम में छोटे बच्चों की क्लास में जाते हैं, 6, 7, 8 तक की क्लासेस में हम लोग जाते हैं, क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को, जिस प्रकार से पढ़ाया या जैसे भी हम लोग उनके साथ बिहेवियर करते हैं, वैसा बिहेवियर जब स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं, जब उनकी एक एडल्ट एज में जब लोग वो एंटर कर जाते हैं, तब वो चीज़ें काम में नहीं आती, क्योंकि उस स्टेज पर जो बच्चे हैं वो इतनी आसानी से चीज़ों को ना ही मानते हैं, ना ही बातों को स्वीकार करते हैं। तो तब हमारा जो ढंग है वो एक अलग होना चाहिए। उसके लिए मैंने 3 चीज़ें लिखी, सेल्फ डायरेक्शन देना, इंटरनल मोटिवेशन देना, और उनको रेडी करना टू लर्न। देखिए, इसके जो ओरिजिनेटर हैं, दैट इज़ मेलकॉम शेफर्ड नॉल्स, जिनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एंड्रागोजी की मेन थ्योरी दी है 1913 to 1997, और इन्होंने ये जो एंड्रागोजी की जो थ्योरी दी है, एडल्ट लर्निंग थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो 1968 में दी है, और इन्होंने एम्फेसिस किया है, ये एम्फेसिस किस बात पे देते हैं, ऑन यूनिक लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द एडल्ट लर्नर्स। ये कहते हैं कि जो एडल्ट की एजुकेशन है, जो एडल्ट लर्निंग थ्योरी है, ये जो एंड्रागोजी है, यह एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होना चाहिए, मतलब कि जो एडल्ट्स को पढ़ाने का तरीका होना चाहिए दैट शुड बी यूनिक, और उसमें, और वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ बन सके, वो ताकत बन सके एडल्ट्स के लिए। ठीक है, नोल्स की 5 अजम्पशंस हैं एडल्ट लर्निंग की, तो देखिए वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की है सेल्फ कॉन्सेप्ट की। सेल्फ कॉन्सेप्ट में आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट, जो भी आप, कोई भी नॉलेज जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एडल्ट्स को जो भी आप नॉलेज दे रहे हैं, वो उसका
अपना एक अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर सके, सेल्फ कॉन्सेप्ट वो तैयार कर सके, जो भी हमने पढ़ाया वो उनका खुद का भी वो उस कॉन्सेप्ट को वो पकड़ सकें। सेकंड ये कह रहा है पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, सबसे पहले हमने क्या कहा था सेल्फ कॉन्सेप्ट, या आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में ये भी कह सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं इट शुड बी एज पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स, एज पर अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जिसको स्टूडेंट बोले कि हाँ ये मेरा कॉन्सेप्ट है मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है, ये नहीं कि वो थोपा गया हो, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, ठीक है, वो थोपा गया होना नहीं चाहिए। उसके बाद पास्ट लर्निंग, ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है। कई बार बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो एकदम से उनके ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाता है, उनका जो उनकी जो लैंग्वेज है वही चेंज हो जाती है, लाइक अगर वो हिंदी मीडियम से है तो उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो पढ़ाते वक्त टीचर को इस चीज़ का ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि वो कौन से मीडियम से आया है, वो कौन से माहौल से आया है, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उसी के हिसाब से ही उसे नेक्स्ट जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि जो भी वो एडल्ट होने के नाते जो भी वो लर्निंग करेगा, जो भी वो एजुकेशन लेगा, वही उसके फ्यूचर का जो बेस बनेगी, ठीक है। उसके बाद है रेडीनेस टू लर्न, थर्ड है रेडीनेस टू लर्न, यानी कि उसको लर्निंग के लिए तैयार करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा तैयार ही नहीं है पढ़ने के लिए, उसके मन में काफ़ी सारे प्रेजुडाइसिस हैं, काफ़ी सारे भ्रम हैं, तो ऑफकोर्स वो एजुकेशन को अच्छे से नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल रीजंस टू लर्न, कि जो भी चीज़ें बच्चा पढ़ रहा है एडल्ट पढ़ रहा है, ठीक है, वो उसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस होने चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना चाहिए, ठीक है। कोई भी थ्योरी किसी भी प्रकार की, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो, SST की हो, हिंदी की हो, वो इस प्रकार की थ्योरी उसको मतलब कि उसको वो प्रैक्टिकली करके बता सके, उसके पास उस चीज़ का प्रूफ हो कि अगर ये है तो ये क्यों है, ठीक है। ड्राइवन बाय इंटरनल मोटिवेशन, और उसको इंटरनली मोटिवेट करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो जो नॉल्स की हम लोगों ने 5 अजम्पशन पढ़ी हैं, एक बार से मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हो वो बच्चे का खुद का होना चाहिए, उसके पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देखना चाहिए, उसे तैयार होना चाहिए पढ़ने के लिए, उसके अंदर प्रैक्टिकल रीजंस होने चाहिए, प्रैक्टिकल रीजन कि मैं ये लर्निंग क्यों कर रहा हूँ, उसके अंदर पूरी पूरी इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने की, किसी भी नॉलेज को लेने की, यानी कि वो पूरी तरह से मोटिवेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रागोजी दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से 4 प्रिंसिपल है? सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है सिंस एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड, क्योंकि जो एडल्ट्स हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनके देखिए उनके दिमाग में पहले से ये चल रहा होता है कि मुझे ही करना है, उनकी कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके अंदर की कुछ अपनी सोच होती है कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। दे शुड हैव कंटेंट नॉलेज, क्योंकि वो सेल्फ डायरेक्टेड है, इसीलिए जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं या जिस भी कंटेंट की वो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं वो नॉलेज उनके अंदर फुल फ्लेज होनी चाहिए, एंड टू नो हाउ टू प्रोसीड देयर लर्निंग, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप यहां पर ये कह सकते हो कि एडल्ट्स जो भी पढ़ रहे हो वो कंटेंट उनके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मुझे किस प्रकार से डायरेक्शन उसको और उस जो भी वो पढ़ना चाहते हैं उसकी नॉलेज उन्हें किस प्रकार से देनी है, और उस नॉलेज को लेकर के उन्होंने अपनी लर्निंग को किस प्रकार से गो अहेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बातें आती हैं कि कंटेंट नॉलेज होना, और उस कंटेंट को नॉलेज किस प्रकार से देनी है, उसके लिए किस प्रकार से स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देना, थर्ड उस नॉलेज को किस प्रकार से प्रोसीड करना अपनी लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट एडल्ट्स लर्निंग शुड फोकस ऑन एडिंग टू व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड, जो भी उनकी पास्ट की नॉलेज है या फिर जो नॉलेज वो ले रहे हैं पास्ट प्लस प्रेजेंट, उसमें वो अपनी जो नॉलेज है उसको ऐड करके एक नया कंटेंट जो है वो तैयार कर सके जो कि सोसाइटी के काम आए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, जो भी वो पढ़े उसे प्रैक्टिकली दूसरों के सामने वो करके दिखा सकें, ठीक। नेक्स्ट लास्ट 4th ये कह रहा है कि लर्निंग शुड बी फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, जो भी वो ज्ञान लेते हैं वो ना केवल रटाफिकेशन होना चाहिए बल्कि वो डे टू डे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये हैं हमारे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रागोजी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।